हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपको भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जस्ट डायल लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, आज 827 हाई गया हुआ है। दोस्तों, अभी भी 1.25% का अप मूव है आज के ट्रेडिंग सेशन में। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो फंस चुके थे। मैंने उनको देखो पिछले में कमेंट पे बताया था कि होल्ड करो सर, जून सेकेंड वीक तक आपको प्रॉफिट आ जाएगा। सही सही सर, पक्का होल्ड करो सर, ज़्यादा लॉस तो नहीं होगा। मैंने उनको बोला था लॉस नहीं होगा सर, और ये प्रॉफिट आपको आता हुआ दिखेगा। देखो उनका 13,000 लॉस हो रहा था। मैंने बोला था कि जून सेकेंड वीक तक होल्ड करो, प्रॉफिट आ जाएगा। और 810 के आसपास उसने बाई किया था। मैंने उनको बोला था होल्ड करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखो आज 827 आ गया, जून का सेकेंड वीक भी नहीं आया और मई 21 है। और इन्होंने 810 पे 700 शेयर बाई किया हुआ था, और उनको भी मैंने होल्ड करने के लिए बोला था कि प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसा आप अपना कमेंट करके आप अपना दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस ले सकते हो, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी, और आप ही का चैनल है मनी मेकर से भी। मैंने बार बार बताया हूँ कि B2B मार्केट सेगमेंट जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल हो गया, ये सब में आपका पैसा बनेगा। ये कोर पोर्टफोलियो में रखने वाला, और शॉर्ट टाइम जो भी सेल हो रहा है, जो भी गिर रहा है, तो वो शॉर्ट टाइम पैनिक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं हर बार यही पूछता हूँ कि आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का गोल लेके इन्वेस्ट करो। तो उसमें क्या है कि मैं भी अपना एडवाइस दे पाऊँगा सही से, मैं भी अपना टारगेट बता पाऊँगा, और उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक करना। तो ऐसे होता है कि गोल और मैनेजमेंट, जो मेरा फर्स्ट टारगेट 825 का, वो आज हिट हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मनी मेकर को सब्सक्राइब करो, और जस्ट डायल में इन्वेस्ट कर सकते हो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से अभी भी बात करके, क्योंकि 990 जो है जून लास्ट तक मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, उससे पहले ही अचीव हो जाएगा ये टारगेट, और इजीली अचीव हो जाएगा ये टारगेट। लो प्लेस्ड प्रोमोटर होल्डिंग है, इंक्रीज किया है 1.27% ने। प्रोमोटर ने खुद बाई किया है, जो म्यूचुअल फंड ने बेचा वो प्रोमोटर ने खुद खरीदा है, FII ने खरीदा है, और खरीदे गए दोस्तों, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो में बिजनेस मॉडल ही इतना ज़्यादा बढ़िया है, जो B2B लार्ज, और सबसे बड़ा है कि लोकल सर्च इंजन इनको मिलता है। इसके वजह से आपका जो इजी माई ट्रिप है, वो कंपनी इसके साथ आपका पार्टनरशिप में आया है, कि जानता है इसके पास बहुत सारे लोग आते हैं सर्च करने में, तो इजी माई ट्रिप अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कि हाँ कोई टूर में जाने वाला है तो यहाँ से हमें कस्टमर मिलेगा। तो ऐसे रेवेन्यू कलेक्ट करता है दोस्तों। एवरग्रीन स्टॉक है, एवरग्रीन पोर्टफोलियो है, 16% का आपका ROE है, ROC 19% का है, और यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट देके आप 1,000 रुपये के आसपास आप जून लास्ट तक देख सकते हो, और 1,000 जहाँ क्रॉस हो गया तो ये भी इंडिया मार्ट बन जाएगा। तो ये बेस्ट लेवल है बाइंग का। और आप अपना देखो पोजीशन देखो इसका, कंपनी डेप्थ फ्री है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है बोल सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पेंडेमिक के सिचुएशन में कोई बाहर नहीं आ पा रहा है, जो भी सामान मंगवा रहा है एसेंशियल सामान, ग्रोसरी शॉप, सब GD मार्ट और इंडिया मार्ट, ये सब थ्रू, यही सब ऐप थ्रू ही मंगवा रहे हैं। तो सारे रेवेन्यू जो है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन में इनका चांदी का हो गया है, मतलब और ज़्यादा आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो बेस्ट स्टॉक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, एक्सपेंसेस देखो, बिजनेस मॉडल को समझो। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करके फिर कमेंट पे कमेंट, और फिर आप खुद पजल हो जाते हो और दूसरे को भी पजल करने की कोशिश करते हो। तो आप अपना ट्रस्ट रखो बिजनेस मॉडल पे, ना कि मेरे वीडियो पे। बिजनेस मॉडल पे ट्रस्ट रखोगे, बिजनेस क्या कर रहा है, ये कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इसके पास कितने इन्वेस्टर रेगुलर इसके पास 35 मिलियन का हर महीना 35 मिलियन कस्टमर आता है सर्च करने, कि कितने ज़्यादा आपका। तो आप सोच सकते हो कि जितना सर्च करेगा गूगल पे थ्रू उसको पेमेंट मिलेगा, फिर जो लिस्टिंग बायर है, लिस्टिंग सप्लायर है, जो GD मार्ट थ्रू, उसमें से इनका प्रॉफिट आएगा। और शेयर कैपिटल देखो, रिजर्व में देखो, 1,202 करोड़ का रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो अपना ये भी QIP लाएगा, और मार्केट कैप, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और बड़ा करेगा, एक्सपेंस करेगा, लॉजिस्टिक सेक्टर को और इम्प्लीमेंट करेगा, हेल्थ केयर, अपना जो भी डीलिंग्स करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर में, उनको हेल्थ केयर के लिए इंश्योरेंस करा रहा है। तो ये बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, कोर पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, और चार चार लोग इनका शेयर होल्डिंग करके रखा है। अब देख सकते हो DII और FII भर भर के माल उठाया हुआ है, पब्लिक के पास अच्छा होल्डिंग है। देखो 810 पे इन्होंने लिया था 700 शेयर, मैंने बोल दिया था कि सेल मत करना दोस्तों, सेल मत करो, वेरी सून रिवर्सल विल सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए शेयर करो।